एक दास्तान लिखने के लिए सब ने खड़ा है। की संभावना इसलिए भी बढ़ती जा रही है क्योंकि सुपर पावर अमेरिका कभी भी एटम बम दबा सकता है, और जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति कोरोना पॉजिटिव हुए ठीक उसी वक्त उनकी सेना सुपर एक्टिव मोड में आ गई, और यहां तक कि उसने परमाणु प्लान भी लॉन्च कर दिया। आखिर ऐसा हुआ कोरोना? रेडी हो गई अमेरिकी सेना। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और उनकी पत्नी मेलानिया को कोरोना हो गया। ये खबर आप बहुत पहले ही जान चुके हैं, लेकिन इसके आगे की खबर भी आपको जाननी चाहिए। ये खबर ट्रंप के कोरोना को लेकर नहीं बल्कि वर्ल्ड वॉर को लेकर है। अमेरिकी किसी भी वक्त एटम बम का बटन दबा सकते हैं, किसी भी वक्त परमाणु हमला लॉन्च कर सकते हैं। इसके लिए ट्रंप की सेना पूरी तरह से तैयार है। अमेरिका के राष्ट्रपति जैसे ही कोरोना पॉजिटिव पाए गए ठीक उसी वक्त अमेरिकी रक्षा मंत्रालय ने अलर्ट जारी कर दिया। देश के दोनों किनारों पर न्यूक्लियर डूम्सडे प्लान को लॉन्च कर दिया गया। इसके बाद से ही परमाणु हथियारों से लैस अमेरिकी फाइटर जेट आसमान में गश्त करने लगे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप का कोविड पॉजिटिव होना जो है वो एक विश्व के लिए एक बहुत बड़ी घटना है और चिंता का विषय है। अमेरिका का राष्ट्रपति विश्व का सबसे शक्तिशाली राष्ट्रपति है, और विश्व की समाज जितनी भी बड़ी कंफ्लिक्ट होते हैं या जो भी पॉलिसी डिसीजंस होते हैं उसमें अमेरिकन प्रेसिडेंट का जो प्रेशर पॉइंट होता है वो बहुत ज्यादा होता है, और खास करके न्यूक्लियर वेपन्स जो है उस पर पूरा कंट्रोल जो है वो अमेरिकन पॉलिसीज का प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। इस एटम ड्रोन्स के तहत अमेरिकी हवाई क्षेत्र दो E-6B मर्करी विमान लगातार गश्त कर रहे हैं। इन विमानों में Boeing 707 की 4 इंजन हैं, और अमेरिकी नौसेना के परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों की कमान से इनका सीधा संपर्क है। अगर अमेरिका पर कोई हमला होता है तो ये प्लेन सीधे ओयो क्लास परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बियों को आदेश जारी करेंगे, जिसके बाद इन पनडुब्बियों से दुश्मन देश के सैन्य ठिकानों या महत्वपूर्ण शहरों को निशाना बनाकर परमाणु मिसाइलें दागी जा सकती हैं। इसमें लॉन्ग रेंज बैलिस्टिक मिसाइल और शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल दोनों हैं। सवाल यह है कि ट्रंप को कोरोना होते ही अमेरिका ने अपने न्यूक्लियर प्लान को क्यों लॉन्च किया? एटम बम से लैस अपने लाखों विमानों को हवा में गश्त के लिए क्यों भेजा? इसकी एक बहुत बड़ी वजह है, वो जानिए। अमेरिका में ऐसा प्रोग्राम तब लॉन्च किया जाता है जब राष्ट्रपति से सार्वजनिक रूप से संपर्क नहीं हो पाता है। ये प्लान दुश्मन देशों को यह बताने के लिए शुरू किया गया था कि राष्ट्रपति की गैर मौजूदगी में देश की सुरक्षा के लिए सेना तैयार है, दुश्मन की हर हरकत का जोरदार जवाब दिया जाएगा। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद से जो न्यूक्लियर पॉलिसीज थी अमेरिका और रूस वो कोल्ड वॉर में चला करते थे, और बाद में इसमें एक शांति व्यवस्था हुई जिससे धीरे धीरे दोनों के बीच में तनाव कम हुआ। मगर अभी पिछले एक साल से अमेरिकन राष्ट्रपति ट्रंप की जो एग्रेसिव लुक है खास करके चाइना के खिलाफ और रूस के खिलाफ, उससे रूसी राष्ट्रपति पुतिन भी जो है वो थोड़े अनकंफर्टेबल से हो गए।
इस वक्त ट्रंप का वॉल्टर रीड नेशनल मेडिकल सेंटर में इलाज चल रहा है, लेकिन यहाँ भी ट्रंप के साथ न्यूक्लियर फुटबॉल मौजूद है। ये वो परमाणु मशीन है जिसका बटन दबाते ही पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी। ट्रंप के साथ सेना का एक अफसर है जो जरूरत पड़ने पर फौरन परमाणु हमला करने के लिए तैयार है। ट्रंप अस्पताल से ही किसी देश में परमाणु बम दागने का ऑर्डर दे सकते हैं। अस्पताल में उनके पास न्यूक्लियर बटन तो है ही, साथ ही हवा से भी सबसे बड़े हमले का आदेश जारी हो सकता है। अच्छी बात यह है कि ट्रंप की सेहत में तेजी से सुधार हो रहा है। वो जल्द ही ठीक होकर व्हाइट हाउस लौटने वाले हैं, जिससे एटम बम का बटन दबने की संभावना कम हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ रिपोर्ट।